ऑल इंडिया के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, परम सदे पंडित रामकिशन जी, हमारे साथी राजा साहब विश्वेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार सुभाष गर्ग जी भरतपुर से, जोगिंदर अवाना जी नदवई से, त्रिलोक त्यागी जी महासचिव आरएल जी, दिनेश सुपा जी अध्यक्ष कांग्रेस जिला कांग्रेस, अभिजीत जाटव जी मेयर साहब भरतपुर, महेंद्र प्रताप चौधरी जी और संबंधित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आरएलडी के उम्मीदवार सुभाष गर्ग जी की सभा में अंदर, पिछली बार भी मैं आया था यहाँ पर, जयंत चौधरी जी लेट हो गए थे उस वक्त में पिछली बार, पर आपने सुभाष जी को आशीर्वाद दिया और वो कामयाब किया। और मैंने कहा था उस वक्त आपको, एक नौजवान है, निष्ठावान है, समर्पित है आपके लिए, अगर ये काम है होते हैं तो आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। मेरी बात सही साबित हुई, काम करने में कोई कमी नहीं रखी। और मैंने कह रखा था सुभाष गर्ग को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस प्रकार से पाँच साल निकले हैं। अभी जयंत चौधरी जी बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था ध्यान से। चौधरी चरण सिंह जी चौधरी साहब भी पार्लियामेंट में थे, मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ में पार्लियामेंट मेंबर रहने का। मैं जानता था कि जब वो बोलते थे पार्लियामेंट में, इंदिरा जी को बहन कहते थे वो, और क्या उनका दिल की आवाज़ जुबान पर आती थी, किसानों के लिए समर्पित थे वो व्यक्तित्व, एक अलग पहचान रखता देश के अंदर। और अजीत सिंह जी से मेरा संबंध रहा, अब जयंत चौधरी जी कमान संभाले हुए हैं, मुझे खुशी है कि आज एक सीट कम से कम राजस्थान में आरएलडी के पास में है। रिश्ता निभाया पाँच साल तक, और मैं चाहूँगा कि ये रिश्ता आगे भी कायम रहे, हम लोग मिलकर के आगे बढ़ते रहें। अभी आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, बहुत आवश्यक है, हालात देश के बहुत गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही जिसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया था, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई दबाव में काम कर रही है, जुडिशल दबाव में काम कर रही है, मीडिया जो ये ले रहा हमें रिकॉर्डिंग, ये सब दबाव के अंदर है, हालात बड़े गंभीर हैं, सब एक तरफ दिखाते हैं। और चुनाव है राजस्थान के, स्टेट के चुनाव है, पाँच साल की हमारी परफॉर्मेंस, हमने क्या क्या कानून पास किए, जैसा भी जैन जी कह रहे थे कि हमने किसानों की जमीन कुड़क नहीं हो वो कानून भी बना दिया हम लोगों ने, MSP के ऊपर हम लोग भी बोनस दे रहे थे गेहूँ के लिए 100 रुपये, इन्होंने ठीक बताया कि वो बंद करवा दिया गया, ऐसा कभी होता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से दे रहे थे 100 रुपये प्रति क्विंटल, उसको बंद करवा दिया गया, तो उनकी नीति किसान विरोधी है, इसलिए काले कानून भी आए। और साथ के अंदर एक साल से अधिक धरना चला, 600-700 लोग मारे गए, किसे कहते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया है किसानों के आंदोलन के कुचलने के लिए क्या क्या नहीं किया भारत सरकार की इंडिया गवर्नमेंट ने, किसान मजबूत रहा, आखिर में किसान की जीत हुई, इस बात के हमें गर्व होना चाहिए, झुकाने किसान। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने तो हिंदुस्तान में पहली बार मैंने डिक्लेयर किया था किसानों का अलग बजट पेश करेंगे हम लोग, अलग बजट पेश किया हम लोगों ने, 12 मिशन बना दिए हम लोगों ने, उसमें मिशन आधार पर अब किसानों के आने आने वक्त में जो भी विकास होगा,
खेती के अंदर, कृषि के अंदर, वो सब उसके आधार पर होगा। 61 कॉलेज कृषि कॉलेज होगी, उन्हें 55 मैंने अभी 5 साल में खोलिए, 55 कॉलेज मैंने खोलिए अभी 5 साल के कृषि के। कोई हमारे लिए किसान प्रायोरिटी पर है और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हमने अभी 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है, करीब 14 लाख किसानों की बिजली बिल जीरो हो गया राजस्थान के अंदर, उपभोक्ताओं में 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई। तो जो हमने फैसले किए महंगाई राहत को लेकर के, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है पूरी पब्लिक के लिए, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, 5 लाख का बीमा भारत सरकार का, चाहे राज्य में हो, वो खाली 20% 30% जनता के लिए है। वो NFSA वालों के लिए, SSCC वालों के लिए, सर्वे वालों के लिए। एकमात्र राजस्थान जहाँ पर पूरी पब्लिक के लिए, अमीर गरीब कोई भी हो, उनके लिए बीमा है 25 लाख का, जो कि वरदान साबित हो रहा है राजस्थान के अंदर। कितना इलाज है कैंसर का, हार्ट का, किडनी का, घुटने बदलवा रहे लोग, कोई एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा। इस प्रकार से हमने जो कई फैन 500 में गैस सिलेंडर दे दिया हम लोगों ने, हिंदुस्तान पहली बार हमने दिया, भारत सरकार दबाव में आई, उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए। तो बातें कहने को बहुत सारी है, आपको मालूम है कि महंगे राज शिविरों के अंदर हमने, और तो लंपीरों में गाय मर गई थी, 40,000 रुपये देने वाला राजस्थान है प्रदेश, जहाँ पर पहले सबसे पहले हमने घोषणा करी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके पहले ही हमने कह दिया 40,000 रुपये देंगे हम प्रति गाय जो मर गई उसके लिए, बीमा कर दिया गायों का भैंसों का। तो कई ऐसे फैसले किए हैं, उसके कारण राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अन्य राज्यों के अंदर भी। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अब 7 गारंटी दी गई आपको, चाहे वो गृहलक्ष्मी योजना हो, 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेंगे प्रतिवर्ष, बहुत बड़ा फैसला हो रहा है ये गारंटी के रूप में, 15 लाख तक का बीमा कर रहे हैं हम लोग, मुआवजा बहुत कम मिलता है, बाढ़ आ जाओ, बिजली कड़क जाओ, ओलावृष्टि हो जाए, 15 लाख तक के मुआवजे की बात सरकार कर रही है, हम कैसे आने वाले वक्त में इतनी राहत पहुँचाएंगे। गोधन योजना अलग लागू कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार की अच्छी योजना थी, मैं देख के आया रायपुर के अंदर, दुर्घटना होती है मॉलों के अंदर, गाय फिरती रहती है सड़कों पर, गाय मर जाती है, आदि मर जाता है, गंदगी अलग होती है, अब बाड़ों में रहती गायें और चारा टाइम पे, पानी टाइम पर, और खाद गोबर खरीदती सरकार खरीदती है, जिसे खाद बनता है गोबर से, गैस बनती है, वो इसी हम लेके आए हैं गारंटी के रूप में लेके आए हैं। छात्रों के लिए 2 गारंटी है, एक तो इंग्लिश स्कूल बहुत पॉपुलर है राजस्थान के अंदर, 6 लाख बच्चे पढ़ते अभी फ्री के अंदर, प्राइवेट में 50,000 1 लाख फीस होती है। हम चाहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े इंग्लिश, मैं भी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आ गया हमारे जब हम पढ़ते थे तब, आज जो कंप्यूटर आ गए, राजीव गांधी बोलते थे 21st century बात करते थे, लोग समझते नहीं थे, आज कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, गूगल, यूट्यूब देखते, दुनिया देख रही है, नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो भी पावरफुल है। तो क्यों नहीं हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं, वो भी दिल्ली, मुंबई, लंदन, अमेरिका जाएं पढ़ने के लिए, 500 बच्चों में भेजता हूँ प्रतिवर्ष दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जब छात्र थे, उनको भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने, गायकवाड़ ने, आज वो संविधान निर्माता बन गए, हमारे बच्चे भी बाहर जाके आएंगे, एक्सपोजर होगा, हो सकता है उसमें कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा, कौन क्या बनेगा, हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा इंग्लिश सिखाने का गारंटी दी गई है, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल की जो मांग करेगा वहाँ खुली स्कूल खोली जाएगी, अभी 3,000 से अधिक स्कूलें खुल चुकी हैं। छठी गारंटी है लैपटॉप टैबलेट देने की, फर्स्ट में जाएगा बच्चा 12वीं पास करके, जाते ही उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया उसके अंदर, क्योंकि पैसे वाला लैपटॉप खरीद के लाएगा, करीब 20,000 का होता वो, उससे वो पढ़ाई करेगा, डिस्टेंस लर्निंग करेगा,
कंप्यूटर चलाएगा, सब कुछ सीखेगा उससे। गरीब का बच्चा ये फील करेगा मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है। सरकार ने तय किया कि दो बच्चे सरकारी कॉलेज में जाएंगे, लाखों बच्चे, उन सबको सरकार लैपटॉप या टैबलेट देगी, ये हमने वादा किया है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब, गरीब को अवसर बराबर का मिले आगे बढ़ने का। इस प्रकार की सोच के साथ में हमने कई फैसले किए। मैं आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और राजस्थान के लिए भी, क्योंकि सरकार बदलती है नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हमारी रिफाइनरी बंद हो गई पहले 5 साल, मेट्रो बंद हो गया, अभी चंबल से पानी आने वाला था, योजना थी अलवर तक, वो बंद हो गई, कई काम बंद कर दिया उन्होंने। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आपने 5 साल पहले मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला, मैं 5 साल हमने जम के काम किया। मैं चाहूँगा कि हमारी जो योजनाएं हैं, 3 लाख लोगों ने नौकरी दे दी है राजस्थान में, अभी बताए सुन रहे थे आप, 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो गायब हो गए कहने वाले, अब बोल नहीं रहे हैं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए जेब में आएंगे, ये जुमले साबित हुए। हमने जो कहा वो करके दिखाया आपको, मैनिफेस्ट हमारा 96% पूरा हो गया, बजट हमारा 90% पूरा हो जाता है, खाली घोषणा नहीं होती है, वो धराधर उतरती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप लोग इस चुनाव में जो है, ओपीएस वाले बहुत खुश हैं, हमने वादा किया है कि ओपीएस का सरकार आने पर असेंबली में कानून पास कर देंगे, पक्का काम हो जाएगा उनका भी, पक्का ही है वैसे और पक्का हो जाएगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, 500 गैस सिलेंडर और उनकी दायरा बढ़ा रहे हैं हम लोग, पहले उज्ज्वला योजना के लिए था, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो भी आएगा, 1.5 करोड़ परिवार है उन सबको मिलेगा, और 500 में नहीं मिलेगा, 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा सरकार बनते ही। इसलिए मैं अंत में आपको कहना चाहूँगा 2 बातें, एक तो पंडित रामकृष्ण जी बैठे हैं, 90 साल के नौजवान हैं ये, इन्होंने अभी डीक में मीटिंग हुई थी दादा साहब के यहाँ पर, फार्म बनाने में भी गया था, वहाँ इनका भाषण मैंने सुना, बोले मैंने मेरी जिंदगी में 90 साल की अवस्था में सरकार ने कई देखी है, जितना काम इस सरकार ने किया आज तक इस सरकार ने नहीं किया। नंबर 2, मैं केरला गया था, केरला में वहाँ 70 साल सरकार बदलती, एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन आता है। इस बार जब मैं गया तो लोगों ने कहा था इस बार तो वहाँ पर रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, जो भी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है। मैं वो क्यों भाई, कहता इस बार कोरोना में महामारी में अच्छा काम किया इन्होंने और सरकार वहाँ पर रिपीट होगी। तो मैंने मन में कहा भाई कि हमने कोरोना में उससे अच्छा काम किया, बिरला मॉडल हमारा दुनिया में चला गया, WHO ने तारीफ करी, कोई कमी रखी नहीं, ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं यहाँ पर, दिल्ली में लोग मरे, बम्बई मरे, अहमदाबाद में मरे, और बाकी हमने जो 3 योजना चलाई है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 500 से 1000 कर दिए, 15% अपना बढ़ेगी पेंशन, सब कुछ किया, और 7 गारंटी और दे रहे हम लोग, 10 गारंटी थी लागू कर दी वो महंगे रात वाली, तो वहाँ सरकार रिपीट हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो है, मन देख रहा हूँ मैं आप सबका, आज भी जो भीड़ आई है, पिछली बार में आया था उससे 5 गुना ज़्यादा भीड़ आज बैठी हुई यहाँ पर। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, कृपा करके सुनिए आप, 1 मिनट, कृपा करके अगर आप चाहते हो सरकार रिपीट हो, तो सरकार रिपीट तब होगी, तब आपके यहाँ से शहर से, तो देखिए हमारा उम्मीदवार है यहाँ पर डीक से, तो विश्वनाथ जी यही हैं, भरपुर सुभाष गर्ग जी हैं, जोगिंद्र अवाना जी बैठे हैं यहाँ पर नदवई से, नगर से वारिद अली हैं, कामत से जायदा खान हैं, बैर से भरनला जाटव है, बयाना अमर सिंह जाटव है। अगर हमारे सरकार लानी है आपको
जहाँ आपका बस चले आप सहयोग कीजिएगा सीटें जिताने के अंदर, और यहाँ से इस बार गर्व और आपके अवाना साहब जीतेंगे तब जाकर सरकार बनेगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो कृपा करके इस बार गर्व को काम देख लिया आपने, और मैं समझता हूँ कि कमी किसी ने रखी है, हमने भी चार मंत्री बना दिए यहाँ से, हुआ आज तक कभी, मैंने इतिहास बन गया, इतिहास बन गया, छः दो को दर्जा दे दिया होगा कोई कमी नहीं रखी है। भरतपुर में विशेष प्रेम राम मेरा भी विश्वनाथ सिंह बैठे हुए हैं, तो प्रेम होना लाजमी है क्योंकि ये कॉम्रेड राजा है ये। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी ओर से आप सबकी ओर से मैं चाहूँगा कि जयंती चौधरी जो है ईआरसीपी की योजना को धोखा दिया है, बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है, भरतपुर अलवर धौलपुर करौली माधोपुर दोसा टोंक सब जिले करौली समेत आप बताइए 25 एमपी जिता दिए हमने, एक परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते लोग, पानी वाला मंत्री हमारे राजस्थान का है आप बताइए, 25 एमपी मिलके भी 16 योजना चली देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है, ईआरसीपी की 13 जिले की योजना है, पीने के पानी की भी है, 2,00,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी उसके अंदर, 53 बांध मैंने जोड़ दी जो छूट गए थे अभी, तब मैंने आपने ठीक क्वेश्चन उठाया कि उस योजना को क्या कारण है कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करते हो, कहने के बाद में भी प्रधानमंत्री खुद बोले जयपुर में अजमेर के अंदर, ये हालात है, इतना उपेक्षा है राजस्थान की, भेदभाव है, प्राइम मिनिस्टर आए थे पहले 5 साल पहले आए, अब 5 साल बाद में फिर आए हैं, जितने नेता आते हैं 4-5 तो मुख्यमंत्री आ गए, 4-5 केंद्रीय मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी आते रहते हैं, 32 रैलियाँ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए, लोग मध्य प्रदेश गिरा दी, महाराष्ट्र गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी, गोवा और मणिपुर में फाउल खेल गए, तो अब उनको दर्द है कि राजस्थान में हम फेल क्यों हो गए, हमारा षड्यंत्र फेल क्यों हो गया, वो टीस जो उनको है दिल के अंदर वो बाबा उनको दुख दे रही है, इसलिए पूरा अटैक राजस्थान पे और मुझ पे और मेरे परिवार पे किया हुआ है। हमारे पीसी चेयरमैन गोविंद दोतासा है, उसके घर ईडी की छापा पड़ गए, 10 घंटे बैठे रहे, कोई क्वेश्चन पूछे नहीं इनको, दुनिया को बताने के लिए देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के यहाँ छापा पड़ा, आज बेटों को दे दिए, उनके बेटों को दे दिए, मेरे बेटों को दे दिया ईडी का, अरे ये एजेंसी प्रीमियर एजेंसी है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है कंट्री के लिए, किसके लिए है, इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए, आर्थिक अपराधियों के लिए है, जो मालिया है लंदन में, नीरव मोदी है, उनके लिए है ये, आज क्या देश के अंदर कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है ही नहीं, आर्थिक अपराधी नहीं है, उनका पकड़ नहीं रहे तो देश नुकसान देश को हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को हो रहा है, इनकम टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने वाला डिपार्टमेंट है, इन सब का उपयोग होना चाहिए उसकी बजाय आप सरकार बनाने में सरकार गिराने में कर रहे हो, तंग कर रहे हो अपनी पार्टियों को, चुनाव चल रहे हैं छापे पड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश क्यों नहीं पड़े भाई, इतने में कहना चाहूँगा ये जो तरीका अडोप्ट किया है लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये आपको हमको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मौका आप देखिए, जो नेता आ रहे हैं सब नेताओं का भाषण देखेंगे शाम को, आप सबका भाषण एक सा है, भड़काने वाला है, हमसे बहस नहीं करें भाई आपके कामों में कमी रह गई है खामी रह गई है, आपने खाली घोषणा करी वो लागू नहीं हुई है, इस पर बहस नहीं होगी, मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि आप हमारे कामों पर बहस करो फिर वोट मांगो, डालते हैं जनता वोट मांगो, अंत में मेरी खुशी है कि आज जयंत चौधरी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से नौजवान साथी जयंत चौधरी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।